Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. एक नजर एक नजर एक दाम मंजिल देंगे साहब आप हमारे आए थे साहब मुझे भी दीजिए अरे उर्दू में दो साहब हिंदी में नहीं हाँ तुम्हारे साहब एक मंजिल मुझे भी दीजिए अरे हमें भी दो साहब क्या कर रहे हैं आप हमें भी दो हाँ अरे एक किताब देना भाई हम आपका क्या खराब दे रहे हो हाँ क्या कर रहा है क्या तुमने मजाक कर रहा है एक किताब हमें भी दो एक हमें दीजिएगा एक हिंदी मंजिल मुझे दीजिए अब उर्दू नहीं चाहिए हाँ हिंदी आप उर्दू मुझे दीजिए ना गजल पढ़ी है तुमने आकाश की बहुत अच्छा लिखता है लड़का क्या लिखता है सुना ना आकाश ने लिखा लाले की जान और क्या शेर लिखा लाले की जान हाँ मेरी जान तूने तो मेरी जान निकाल दी तो छुपा रुस्तम आकाश क्या शेर है पहले सौ बार इधर और उधर देखा है फिर कहीं डर के तुझे राम अवतार हाँ शायरे आदमी शेर ऐसे नहीं पढ़ा जाता तो फिर कैसे पढ़ा जाता है पहले सौ बार इधर और उधर देखा है तब कहीं डर के तुम्हें एक नजर देखा है शबनम बेटी आज तुम्हारा पहला मुजरा है कुछ पहनावे की तरफ ध्यान करो बेटी खाला आप और अम्मी जो पसंद करेंगी वही पहन लूंगी पहले मुझे गजल पहन लेने दीजिए हम पे हंसती है जो दुनिया उसे देखा ही नहीं हमने उस शोख का दीदे कर देखा है पहले सौ बार इधर और उधर देखा है शबनम बेटी जिसकी शायरी पे तुम पागल बनी फिरती हो कभी उसे देखा भी है हमारे ऐसे नसीब कहाँ होता अच्छे फिर भी ये दावे से कह सकती हैं जिनका ख्याल इतना खूबसूरत है वो खुद भी कुछ कम ना होंगे एक तस्वीर है मेरे ख्यालों में हसीन जवान उदास बेनियाज बेटी ख्याल हकीकत से उल्टा भी तो हो सकता है जी उस्ताद जी जान दे दूंगी अल्लाह कहीं इश्क तो नहीं कर बैठी इश्क किया नहीं जाता बेटी इश्क हो गया है मगर दीदार की हसरत नहीं उस्ताद जी चांद को अंगूठी के नगीने में बंद करने की तमन्ना कभी पूरी हो सकती है बेटी तुम्हें अल्लाह के देन का अंदाजा नहीं अरे शबु बेटी जी अम्मी तैयार होना शुरू कर दो जी वक्त लगेगा सवरने में उस्ताद जी, जी आज जो आए शबनम का दीवाना होकर जाए खुदा की कसम दीवाना होकर अमीना भाई आपकी नजर ने जिस हीरे को परख लिया है देखने वालों के मजा ले कि नजर हटा ले शबु बेटी जी अम्मी इससे पहले कि तुम्हारा पहला मुजरा शुरू हो जाए मेरा आखिरी सबक सुन लो तुम मेरे इशारों पर नाचोगी
दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचेगी। तुम जब गर्दन झुकाकर आदाब कहोगी, जमाना तुम्हारे कदमों को चूमेगा। जवानी बार बार नहीं आती है, सिर्फ एक बार आती है, उसका जी भर के फायदा उठा लेना चाहिए। कोठे वालों का ईमान ये कहता है कि जो दौलत से बात करे उसके रास्ते में आंखें बिछा देनी चाहिए, जो दिल से बात करे उसे मुस्कुराकर ठुकरा देना चाहिए। दिल और दौलत का मेल कभी नहीं होता है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने हुस्न की शमा जलाओ, परवानों का आने का वक्त हो गया है। मेरी बेटी, खुदा तुझे नजरे बद से बचाए, जीती रहो। कतम उड़ल कटोले की कयामत है कयामत, नजर भर के देख ले तो सीधा दिल में उतर जाए। कतार की तरह आओ। मामला कितने में घटेगा प्यारे? हुजूर, आज तो पहला ही दिन है, रोजे अव्वल। कसम उड़न कटोरी की मामले की बात अभी मत कीजिए, कुछ तो वक्त लगेगा ना शीशी में उतारने के लिए। आइए तशरीफ लाइए। जहे नसीब, आपके मुबारक कदमों की वजह से हमारा दहलीज साफ हुआ। आइए तशरीफ। यहाँ बात है, आदाब। अमीना भाई, अब ज्यादा सब्र नहीं हुए, बड़े जोर की प्यास लगी। पानी की कदर तब होती है सेठ साहब जब प्यास हद से ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इतनी देर में आप पानी की जगह सेठ साहब पान खा लीजिए। अरे फिर कहीं डर के पूजे एक नजर देखा है। एक पान देना नके। क्या बात है, दुकान बड़ी जल्दी बंद कर रहे हो? आकाश बाबू, आप नहीं जानते कि आज की रात मुरादों की याद है, मुरादों की। क्या मतलब? आकाश बाबू, सुना है कि आज एक नई शमा जलने वाली है। शबनम पहली दफा गा रही है, नाचेगी और गाएगी। अगर मैंने उसका गाना नहीं सुना तो आकाश बाबू सारा जिंदगी अफसोस रहेगा। आप भी चलिए ना। क्यों नहीं भाई, शुक्रिया। हमारा नियत कमाल है, शायर होकर बदकिस्मत है बेचारा।
बहुत ही अच्छा गला पाया है आपने। शुक्रिया। इतनी सुरीली आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। आप तो एक तरह से बात कर रहे हैं, आवाज से ज्यादा गजल में रस है। नहीं ऐसा नहीं, आवाज के मुकाबले गजल फीकी पड़ गई। आवाज अच्छी है या बुरी इसका फैसला तो हम सुनकर कर सकते हैं, लेकिन किसी का कलाम अच्छा है या बुरा ये समझने के लिए दिमाग चाहिए ना। जी नहीं, दिल। कौन था जो आते ही इस मासूम कातिल की निगाह का मरकज बन गया? गोवर्धन का टोला, यहाँ के सरकारी वकील त्यागी साहब का इकलौता लड़का मनमोहन आकाश है। सुना है कि उन्होंने आजकल बहुत शायरी कर रहे हैं। से दोबारा यहाँ नहीं आना चाहिए प्यारे। बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा मुड़न कटोले की आज बेफिकर रहो। ये बंदी आपकी और क्या खिदमत कर सकती है? खिदमत करने का भी वक्त आएगा ही ना भाई, तब इनकार मत करना। मेरी क्या मजाल, सरकार हुकुम करे। वैसे बच्ची का गाना पसंद आया ना? सुभान अल्लाह, बच्ची का गाना और बच्ची। अमीना भाई, अहले जबान वो अल्फाज नहीं तरतीब दे पाए जो शबनम की तारीफ में हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। शबनम खुद मुझे समय तारीफ है, तारीफ की तारीफ हम क्या करें। सरकार जर्रे को आफ्ताब बना रहे हैं। फिर तशीफ लाइए ना। अरे क्या बोल रहे अमीना भाई, कसम उड़न कटोले की सरकार को तो यहाँ से वापिस जाना वजन मालूम हो रहा है। उनको तो मुद्दत के बाद तुम्हारे दर पे राहत मिली है। मगर जरा नवाब साहब बहुत रंगीन है, बहकना पसंद करते हैं। गुम हो जाना, खो जाना, कसम उड़न कटोले की लूट जाना तो उनकी तबीयत में है। अच्छा। अमीना भाई, कसम उड़न कटोले की मेरे को भूलना नहीं। अरे क्या बात करते हो प्यारे, तुम तो खरे हमारे प्यारे ये। अच्छा तो अब इजाजत दीजिए, बंदगी बंद, खुदा हाफिज। खुदा कुछ काम बना? काम जागा है तो बनेगा क्यों नहीं। सरकार कसम उड़न कटोले की मक्खन में लपेट के दाना छोड़ा हूँ। मुबारक हो बेटी, मुबारक हो। तीर ठीक निशाने पर जाकर लगा है। नवाब साहब तो रेशा खत्मी होकर गए, ढेर हो गए, तरपते मचन से यहाँ से गए। अल्लाह ने अगर चाहा तो ऐसे हजार नवाब तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगी। अब तो ऐशे ऐशे मेरी जान, आगे आगे देखो अमीना भाई क्या क्या गुल खिलाती है। आए, आए, क्या हुस्न, क्या शबाब है। शबनम तुम आफ्ताब हो। आदाबरदे सरकारी वकील साहब। आदाबरदे। कसम उड़न कटोले की आपके साहेबजादे आपकी इज्जत का जनाजा लिए खाने पे घूम रहे थे, मैंने उन्हें देख लिया। इससे पहले के सारा साहब बताओ क्या बात है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अमीना भाई के कोठे पर मैंने, आज तो देखा भूल जाऊंगा, कल अगर देखा तो ये बात कसम उड़न कटोली की अखबारों तक पहुंच जाएंगी। मॉर्निंग पिताजी। सुना है बहुत तरक्की कर रहे हो आजकल। आपका आशीर्वाद है। कल रात में यही घर पे आने से पहले कहा कोठे पर। हमें खुशी है सच बोलना तुम्हारी आदत है, मगर जानते हो कितनी बुरी बात है। क्यों, इसमें बुरा क्या है? बाजारी गाना सुनना बुरा है, कोठे पर जाना बुरा है, नाचने गाने वालियों से मिलना बुरा है। किसी की आवाज अच्छी लगे तो उसे सुनने में क्या बुराई है पिताजी? और फिर अगर कोठे पर जाना बुरा है तो कोठों का वजूद क्यों? कोठे है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम वहां जाओ। वो बुरी जगह है, वहां बुरे लोग रहते हैं, बुरे लोग आते जाते हैं। नहीं पिताजी, मैं नहीं मानता कि किसी खास जगह रहने या आने जाने से इंसान बुरा हो जाता है, जब तक कि वो कोई बुरा काम ना करे। मैं बहस करना नहीं चाहता, सिर्फ इतना कहूंगा कि तुम दोबारा वहां नहीं जाओ। नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे समझाइए क्यों।
वरना हो सकता है ना समझी में मैं आपकी बात न रख सकूं। आकाश, क्या तुम ये चाहते हो कि कल समाज मुझ पर उंगलियां उठाकर ये कहें कि ये है सरकारी वकील रघुनाथ त्यागी जिनका बेटा नाचने वालियों के यहाँ पड़ा रहता है? समाज से आप इतना डरते क्यों हैं? अगर कोई पेट भरने के लिए नाचता गाता है तो इसका ये मतलब क्या है? पेट भरना है तो इंसान दुनिया में और भी बहुत कुछ कर सकता है। हाँ ठीक है, आप सरकारी वकील ना होकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी तो हो सकते थे, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये भी कोई बस की बात है? हो सकता है नाचना गाना भी कोठे वालियों की बेबसी हो। तुम जबान दराजी कर रहे हो आकाश। मैंने तुम्हें पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं कि पढ़ लेकर तुम मुझे ही कोठे वालियों पर भाषण देना शुरू कर दो, बल्कि इसलिए कि तुम कोई अच्छा काम करके समाज में नाम कमाओ। समाज? जो समाज एक लड़की से सिर्फ इसलिए नफरत करता है कि वो कोठे पर नाचती गाती है, जो समाज पैसे वालों को इज्जत की नजर से और गरीबों को कसाई की नजर से देखता है, मैं उस समाज में नाम कमाने के लिए अपनी जिंदगी जाया नहीं करूं। तुम क्या करोगे? लिखेंगे गजलें, नज़्में, गीत, ये लिखेंगे, हम प्रिंट करेंगे, लोग पढ़ेंगे। आप तो खामखा एक कलाकार को क्लर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने इसका दिमाग खराब किया है। नॉट ट्रू। हम ही तो इसके दिमाग को जानते हैं, इसकी कदर करते हैं। आप इसे समझाइए, मैं तो चलता हूँ, अदालत का वक्त हो गया। बहुत अच्छा, नमस्ते त्यागी जी। नमस्ते भाई। आकाश, तुम्हारे पिताजी क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? जो वो खुद नहीं समझते। ये बताओ, जितनी सुबह कैसे आ सकते, मंदिर कैसे बिक रहा? कुछ ना पूछो यार, ऐसा बिक रहा है जैसे अकाल में अनाज बिकता हो। आकाश, अगले इशू के लिए तुम्हारी एक गजल की जरूरत है, ये लो चेक। एक कष्ट में आ पड़ा हूं। क्यों, क्या हुआ? अरे वही जमुना दास वाला मामला। हाँ, जिसे तुमने सड़क पे मारा था। हाँ यार, मर गया। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन दावा कर दिया है। तुम पर? हाँ, इज्जत हद तक का दावा 20,000 मांगता है। क्या करोगे? लड़ूंगा, एक दमड़ी नहीं दूंगा उस सुअर को। भैया, सुअर को मत देना, जमुना दास को दे देना। क्या कहते हो यार? तो लड़ोगे? जरूर लड़ूंगा, लेकिन एक दस अच्छे वकील की जरूरत है, उनके जैसा। क्या नाम है उनका? अरे यार, तुम्हारा दोस्त वही जस आपका लड़का। हाँ, अशोक। तो छोटे मोटे केस लेता नहीं। अरे इसीलिए तो तुम्हें साथ ले जाना चाहता हूँ, चलो ना, कोशिश करके देखे। अच्छा चलो, नाश्ता तो कर लो। ठीक है, बाद में कर। वो हमारे किताबी कीड़े बरखुरदार अशोक साहब कहते हैं, एक ही मकान में रहते हुए हफ्तों मुलाकात नहीं होती। आप उसकी किताब महल में जाते नहीं और वो वहां से निकलने का नाम नहीं लेता, तो मुलाकात कैसे हो? कलावती, उसे खामखा वकील बना है। मैं समझता हूँ किताबों की दुकान खुलवा के देता तो अच्छा। अच्छा भाई, अच्छा क्या बनना चाहिए? मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तुम तो अशोक से मिलने आए हो? अच्छा, मुझे इजाजत अदालत का पत्र हो रहा है, कलावती ने चाय रख लो। रामू, अशोक से कहना कोई मिलने आए हैं। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा आंटी, आपको तो मालूम है, वहाँ बकायदा लिख के भेजना पड़ेगा। हाँ बाबूजी, आप ठीक कहा। तो वो कमरा में सब एकदम सिस्टम से है, तो सिस्टम से लिख देना बाबूजी। ये लो मेरा कार्ड, और कह देना साथ आकाश भी है। वो तो हम देखा था, आप फिकर नहीं। हाँ, क्या पियेंगे आप लोग? कोई जरूरत नहीं आंटी, अशोक के साथ तो चाय पीनी पड़ेगी। आओ अंदर। Come in. नमस्ते भैया। नमस्ते आकाश। आइए भैया। नमस्ते जी। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने अपना नाम बेगाना क्यों रखा? क्या बताऊं अशोक बाबू, आप तो जानते हैं इस दुनिया में लोग हमेशा इंसान को अपना बना के लूटते हैं, इसलिए मैं बेगाना हूँ। न तो मुझे कोई अपना समझे, न लूटने की कोशिश करे। हाँ तो बेगाना साहब, आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आप मेरी इज्जत की कश्ती को डूबने से बचा सकते हैं। आपकी इज्जत की कश्ती कहाँ डूब रही है? अदालत में। किस्सा यूं है अशोक भैया, कि जमुना दास नाम के एक इंसान को बेगाना साहब ने सड़क पर पकड़कर
दो तीन रापट रसीद कर, उसने इनके ऊपर हत्या की इज्जत का दावा कर दिया। पूरे 20,000 मांग रहा अशोक साहब, ससुरे की इज्जत दमड़ी की नहीं और कीमत 30,000। आप अपनी इज्जत बचाने के लिए कितना खर्च कर सकते हैं? 20,000-40,000 हो सके तो लाख। मिस्टर पोपट लाल बेगाना, मेरा ख्याल है आप जितने मोटे हैं आपकी जेब भी उतनी ही मोटी है, और अकल तो है ही नहीं। आप ठीक फरमा रहे हैं, मगर अकल के बारे में पहले ही मुलाकात में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा लगाने की क्या जरूरत है बेगाना साहब, ये बात तो बिल्कुल साफ है। अभी आप खुद ही कह रहे थे कि इज्जत जब दूसरे की है तो उसकी कीमत दमड़ी की नहीं, और जहां आपकी इज्जत का सवाल आता है वहां उसकी कीमत 1,00,000 होती है या उससे भी ज्यादा हो जाती है। गोया वक्त पड़े तो इज्जत के लिए आप अपनी जान भी दे दें। जी हाँ, सिर्फ मैं क्यों, जरूरत पड़े इज्जत के लिए कोई भी जान दे सकता है। अपनी इज्जत के लिए? जी हाँ, अपनी इज्जत के लिए। भाई अशोक, बात यह है कि बेगाना साहब ये केस लड़ना चाहते हैं। सिर्फ लड़ना ही नहीं चाहते आकाश, केस जीतना भी चाहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, केस जीतना चाहते हैं। केस जीतने का मतलब समझते हैं आप? जी हाँ, केस जीतने का मतलब केस जीतना, और क्या? जी नहीं, केस जीतने का मतलब यह हुआ कि भरे बाजार में आपने एक आदमी की बेइज्जती की और फिर 1,00,000 रुपए देकर यह साबित कर दिया कि आपने उसकी बेइज्जती नहीं की। आप बहुत अच्छे वकील हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए कि ये 1,00,000 रुपए आपके पास नहीं है। कैसे फर्ज करूं जबकि मेरे पास है? अच्छा चलिए, फर्ज कर लीजिए कि ये केस आप जीत गए। ये फर्ज कर सकता हूं, चलिए मैंने केस जीत लिया। जज साहब मान गए, अदालत में जितने लोग बैठे थे सब मान गए, बात अखबारों में भी आ गई और सारी दुनिया मान गई, मगर आप खुद ये बात मान सकते हैं कि आपने जमुना दास की बेइज्जती नहीं की? मैं कैसे मान सकता हूँ, मैंने तो की। फिर फायदा क्या हुआ? जो बात आपने 1,00,000 रुपया खर्च करके सारी दुनिया को मनवा दी वो आप खुद ही नहीं मान सकते? भाई वाह, वाकई आप बहुत अच्छे वकील हैं। तुम्हारे दोस्त का जवाब नहीं यार। देख लो अशोक बाबू, मैं आपका जरा टेलीफोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? आपसे कीजिए हुजूर। थैंक यू। और सुनाओ आकाश, सुनाए सर, बड़ा अच्छा लिख रहे हो। बस ऐसे ही है यार। हेलो जमुना दास जी, मैं बेगाना बोल रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए, फोन मत बंद कीजिए। हाँ मैं आपको 20,000 देने के लिए तैयार हूँ, और जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता हूँ। माफी मांगते हो? जी हाँ। तुम पोपट लाल बेगाना ही बोल रहे हो ना? जी हाँ, मैं बेगाना बोल रहा हूँ। जी हाँ, मैं अपनी गलती का एहसास करता हूँ। तो हम भी अपनी भूल का एहसास कर लेते हैं। 20,000 रुपए हमें नहीं चाहिए, पैसे हमारे पास भी बहुत। मैं मंदिर में अपना माफीनामा छपा दूंगा, दूसरे अखबारों में भी भेज दूंगा। आज ही गोली मारी है अखबारों को, आपने हमारी बेइज्जती की और बाद में अपनी भूल की क्षमा मांग ली, बात ही खत्म हो गई। अच्छा जी नमस्ते। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। अशोक साहब अब बहुत गुंडा वकील है, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपके लिए विस्की? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, दैट विल बी ऑल राइट। ओ श्योर, आपको तो पता है शुक्ला जी, मेरी वाइफ बाहर गई है, तो एक दो हफ्ते बाद लौटेगी। अच्छा, तो मैं सोच रहा था जब लाली और आकाश की शादी करनी है तो क्यों ना आप लाली और उसकी माँ को कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ रहने को भेज दें। मॉडर्न जमाना है, एक दूसरे को जानने का और मिक्स होने का मौका मिलेगा, और आकाश का अकेलापन दूर हो जाएगा और उसका दिल भी लगा रहेगा। अवश्य शीघ्र आपके सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। ओह सो काइंड ऑफ यू। दीपक बाबू, मेरा मतलब है नवाब साहब, ये साली शबनम को एक दिन लौडिया बना के आपके खदमों में ला के नहीं छोड़ा तो खासा मुड़न कटोली की आप मेरा कटोला बना दीजिए। लाल जी सरकार, ये क्या है? ये शीशी है, इसके अंदर क्या बंद है? शैतान, शराब, खाना खराब, नामुराद, आबे हयात, नशा। हाओ, नशा शराब में नहीं होता बेवकूफ, वरना पैमाने नाश्ते। ये गुड़िया देख रहे हो? जी हाओ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये बोतल हमारा दिल बन जाए और गुड़िया शबनम? क्यों नहीं हो सकता सरकार? तब कैसे? खसा मुड़न कटोले की चांदी की चमक, सोने की दमक और शबनम फना फनक। तुम गए? छोटा हूँ सरकार, यही सोच रहा हूँ कि जल्दबाजी में काम ना बिगड़ जाए।
हमने भी कोई घास नहीं काटी उल्लू। कसम उड़न कटोले की अमीना भाई बहुत लालची है सरकार। मैंने आपके बारे में ऐसी धूल जमाया हूँ कि अब वो आपका हाथ छोड़ेगी नहीं। कब आएगा वो दिन? यू शट अप। हाय आकाश। अरे लाली तुम कब आई? ये मत पूछो कब, पूछो क्यों आई। हाँ कोई खास पर्पस है क्या? क्या? तुम्हारा दिल बहलाना और तुम्हारा अकेलापन दूर करना। वैसे ये काम तो जिंदगी भर करना है मगर। मिस लाली। यस मिस्टर आकाश। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास मेरी किताबें हैं, मेरी कलम है। दिल बहलाने के लिए मेरे लिए इतना काफी है, बाकी दुनिया की चीजों में दिलचस्पी नहीं। मौका तो दो, लिखना पढ़ना सब कुछ भुला दूंगी। मिस लाली इससे पहले कि मैं तमीज को भूल कर बदतमीजी पर उतर जाऊँ आप प्लीज तशरीफ ले जाइए। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? जी हाँ, नाउ प्लीज। हाय बेटा। माता जी आपकी बेटी अभी अभी गई। मुझे मालूम है, जाने दो उसको। ओहो बड़ी गर्मी हो रही है, फ्रिज में बियर भी नहीं है, दो चार बोतलें मंगवा दो ना। अभी मंगवाता हूँ। थैंक यू। ओहो अरे साहब क्या बताऊं, ये जो आकाश है ना, मेरा मतलब मनमोहन आकाश, जिसकी किताब पायल आप खरीदने आए, कमबख्त क्या लिखता है। अब तक एक ही किताब लिखी है साहब, लेकिन क्या बिकी है। सुबह में माल आता है, शाम को फिनिश। ज्यादातर लड़कियां खरीदने आती है। व्हाट अ लकी फेलो लाइक देव आनंद। सुनिए। हाँ फरमाइए। देखा मैंने कहा ना। देवी जी क्या आपको भी आकाश के पायल की जरूरत है? ये साहब भी आकाश जी की पायल के लिए आए हैं। जी हाँ। अजी छोड़िए जी, मैं अच्छे शहरों को पढ़ता हूँ, किसी तट पूंजिए को नहीं। क्या फरमाया आपने? देवी जी आप खामोश रहिए, जरा दोहराइए तो। कमाल है आप तो लड़ाई पर उतरे हैं। ये मिस आकाश आपके कुछ लगते हैं क्या? देखिए अगर आपके अंदर शेर समझने की सलाहियत नहीं है तो किसी शेर को बुरा कहने से नहीं आएगी। माफ कीजिएगा मुझे नहीं मालूम था कि मिस्टर आकाश आपको कुछ लगते हैं, वरना वरना क्या करते आप? तारीफ करता हूँ, बहुत तारीफ करता हूँ। आपकी तारीफ के भूखे नहीं है वो। जी जी हाँ, यानी कि कोई अच्छा शायर किसी की झूठी तारीफ का भूखा नहीं है। हाँ तो सच्ची तारीफ किसे कहते हैं? जो दिल से की जाए जबान से नहीं। आदाब। काश के इस वक्त आकाश यहाँ होता, लगता है आकाश से प्यार करती है। तो ओ देवदास तुम क्या हो गए? ओ भाई ये आदाब अर्ज है। आदाब अर्ज है, कहिए क्या चाहिए? जी फोटो। फोटो? अच्छा अच्छा ये लीजिए जी। कुछ गलती हो गई आपसे? जी कुछ मुझसे कुछ आपसे। वो फोटो दिया ना आपका? नहीं नहीं तो क्या आपका? आकाश का। बाहर जाके ले लीजिए। चले यार कौन है? मैं हूँ बेटी, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ, जल्दी से ले ले, कहीं तेरी माँ ने देख लिया तो दोनों मारे जाएंगे। आइए सर जी। तेरे आकाश बाबू मंजिल के दफ्तर से लाया हूँ, छुपा ले छुपा ले।
जी, कलाम को समझने के लिए दिमाग चाहिए ना। शबनम ही शबनम इश्क है पहला सच्चा। अब भैया एक आसान करो, मुझ पर मुझे कमरे के अंदर बंद कर दो, बाहर से ताला लगा दो। तू तो अच्छा वाला था, ये क्या हो गया तुझे? बात क्या है? ये जो मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है वो एक तवायफ। तो फिर हकीकत से भागते क्या हूं? उसका सामना करो, उससे दूर रहकर उसे भुला सकोगे? नहीं नहीं, फिर तो हद होगी। सुना था शायर बड़े जिंदा दिल होते हैं, मगर तुम तो बहुत मुश्किल निकले। कौन है वो? यही की है? हाँ यही की है, अमीना बाई के यहाँ की शब्द। शबनम सुना है, वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन है तो बंदे माहौल में। देख आकाश, अगर लड़की अच्छी है तो दुनिया और समाज की ऐसी की तैसी, उसे वहां से निकाल ला, तेरा अवतार भैया हमेशा तेरा साथ देगा। मैं यहाँ का दादा हूं। चलो बेटी सब आ गए। वो आगे? वो तो नहीं आए। नहीं आएंगे क्या मालूम, लेकिन लोग बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो खुद बेचैन है उसको लोगों की बेचैनी से क्या। अरे महफिल शबाब पे है बेटी। और उस्ताद जी महफिल को कहिए थोड़ी देर और इंतजार करें। क्या बात है अमीना भाई, महफिल सुनसान पड़ गई। तबीयत तो ठीक है ना उनकी? अल्लाह नजरे बद से बचा हुजूर, मेरी शबनम की तंदुरुस्ती पर तंदुरुस्ती रश करती है, और फिर आप जैसे कदरदान बैठे हुए हूँ तो जरा समझने में। अमीना भाई तुम भी एक ऊंची चीज, 20 साल पहले कहाँ थे? कसम उड़न कटोली की, ये सवाल तो मुझे इनसे करना चाहिए। पूछ लो, तुम भी पूछ लो प्यारे, मगर तुम्हें मैं जवाब बाद में दूंगी। माफ कीजिए मैं अभी। प्यारे आज तो अमीना भाई ने तुम्हें हो दिया। सरकार अमीना भाई का पेशा ही धोना है। शब्बो क्या बात है बेटी? कुछ तो नहीं लगे। कमाले लगता है उस्ताद जी जरा ज्यादा गेम खेचने लगे। चल मैं भारी क्षमा के बगैर परवाने तड़प रहे हैं, चल जल्दी। और यहाँ परवाने के बगैर क्षमा तड़प रही है। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। आओ आओ बैठे, चलो जल्दी कर।
बंदूखा
अमी, ये वो शायर हैं जिनकी गजलें मैं गाती हूँ। कुछ बात कर लूँ तो कोई हर्ज है? बात सिर्फ बात तक ही रहनी चाहिए। आज फिर आवाज के मुकाबले गजल फीकी रह गई। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? मैं जानती हूँ आप। क्या जानती हैं आप? आकाश साहब हैं जी। आदाब। आदाब। मुझे माफ कर देना, बहुत मुश्किल तो ना होगा? बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं खुद मुजरिम हूं जी। मैंने ये तो बताया नहीं कि मैं कौन हूं, और आपके दिल का हाल जान लिया। क्या ये जुर्म नहीं? क्या सचमुच आपने ये जुर्म किया है? न किया होता तो आता क्यों? मेरी शायरी को कोई दिल से तोल रहा है ये सोचकर मुझसे रहा नहीं गया। और प्यारे, हसम उड़न कटोले की इतना कीमती हार और इतनी कीमती हस्ती। प्यारे, सब ठीक हो जाएगा। तुम नवाब साहब को संभालो, मैं इस इश्क शादी के तार ढीली करती हूँ। कुछ ज्यादा तन गए। हाँ शबनम, क्या तुम सचमुच शबनम की तरह पाक और पवित्र हो, या ये मेरा वहम है? शुक्र देख लीजिए ना। आवाज और सूरत का इतना खूबसूरत संगम मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें तो किसी हरे पत्ते के सीने पर होना चाहिए था शबनम। कहां तुम कमल बनकर इस कीचड़ में आ गई? अगर मानते हैं मैं कमल हूं तो मुझे इस कीचड़ से निकाल लीजिए। कमल हमेशा कीचड़ में नहीं रहता शबनम, तुम्हें जरूर कोई ना कोई इस कीचड़ से निकालेगा। मैं नहीं तो कोई और सही। मैं कीचड़ में रहूं या गंगा जल में, एक बात याद रखिएगा, मैं शबनम हूं। आकाश से गिरी हूं, आकाश में ही लीन हो जाऊंगी। आकाश तुम्हें अपने आप में जज्ब कर लेगा। शबनम, लगता है लाड़ प्यार से दी हुई तालीम तुम्हें रास नहीं आई है। देखती हूं तुम्हारे पांव आवारा होते जा रहे हैं। आवारा? जी हां, हमारी जबान में इसी को आवारगी कहते हैं। ये कोठा है शबनम, ऐश और इश्रत का मकाम। यहां मर्द अपना गम बेचने आते हैं, खरीदने नहीं, और उसकी कीमत भी अदा करते हैं। उनको खुश रखना मेरा फर्ज है, उनके भूख को मिटाना तुम्हारा फर्ज है। भूखों की भूख कभी नहीं मिटती अम्मी। नाच गाने से जिसका जीना भरता हो उसे यहां नहीं आना चाहिए। किसे आना चाहिए और किसे नहीं आना चाहिए इसका फैसला मैं करूंगी, और तुम उस फैसले की इज्जत करोगे। शबनम कोई भेड़ बकरी नहीं जिसके गोश्त से तुम तिजारत कर सको। शबनम मेरी मलकियत है। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा रुआ रुआ, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ मेरा है। बेटी को बेचने का हक मां को भी नहीं है, याद रखिएगा। मेरी जिंदगी, मेरा जिस्म मेरा है और मेरा रहेगा। ये दिल की अमानत है और दिल इसका सौदा करेगा। ये बर्बादी का रास्ता है शबनम। लेकिन बहुत हसीन है अम्मी, इसकी मंजिल तुम्हारी मौत हो सकती है। खुदा करे ऐसी मौत जिससे जिंदगी मिले सर आंखों पर। मगर तुम्हें इस रास्ते पर जाने कौन देगा? मुझे इस रास्ते पर जाने से रोकेगा कौन? मैं रोकूंगी, मैं, अमीना बाई। अमीना बाई, तुम तो इंसान हो, अब खुदा भी मुझे नहीं रोक सकता। खुदा नालायक बदमाश, इस दिन के लिए मैंने तुझे पाला है, मैं तुझे जान से मार डालूंगी, जान डालो। वरना कहीं ऐसा ना हो मेरी मोहब्बत के रास्ते में आने वालों की जिंदगी मैं ले लूं। क्या कहा? तू मेरी जान लेगी?
तो मुझे मारेगी कमीने। उस्तादी, उस्तादी सुना आपने? जरा देखिए तो सही, कमीनी लड़की ने क्या कहा। इस दिन के लिए मैंने इस लड़की को पाला, जरा जाके समझाइए तो सही इस औरत को। हेलो सरकारी वकील साहब, आदाब जी, मैं प्यारे लाल कसम उड़न खटोले की आपके साहेबजादे फिर कोटे पे पहुंच गए। आओ मेरी शादी में अगर कोई नहीं आता ना आए, मैं आऊंगा। बाप सहारा नहीं देता ना सही, कोई नौकरी नहीं मिलती ना मिले, कैसे अवतार में चले आना, मैनेजर बना दूंगा। और फिर तेरी शायरी भी तो चलती है, घबराने की क्या बात है। रही बात दादागिरी की, इस इलाके में तेरी तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा, फसलियां तोड़ दूंगा उसकी। और बता क्या चाहिए तुझे। ये सब तुम जितनी आसानी से कह रहे हो उतनी आसानी से नहीं होने वाला। फिर वही बात, तुम अगर कहते हो तो मैं शबनम को अपनी बहन बनाकर अपनी बहन की शादी कर देता हूँ तुम्हारे साथ। बल्ले बल्ले, मालूम होता है दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। शबनम का खास है प्यारे। क्या मंशा है तुम्हारा? किस बारे में पिताजी? तुम फिर कोठे पर गए थे। यहाँ गया था। मैंने तुम्हें मना किया था वहां जाने के लिए, लेकिन आपने कोई माकूल वजह नहीं बताई। क्या मेरा इतना कह देना काफी नहीं था कि तुम वहां नहीं जाओगे? जी नहीं, इसलिए कि मैं बच्चा नहीं हूं, मुझमें समझ। समझ समझ समझ, क्या तुम्हारी समझ ये कहती है कि तुम खानदान की इज्जत को रास्ते पर इनाम कर दो? क्या तुम्हारी समझ ये कहती है कि एक गंदी नाली के कीड़े की खातिर तुम अपना धर्म ठुकरा दो? पिताजी मेरी समझ ये कहती है कि लाल अगर गुदड़ी में हो तो उसे उठा के माथे से लगा लेना चाहिए, कमल अगर कीचड़ में उग जाए तो उसे पूजा का स्थान देना चाहिए। आकाश, मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहता हूँ, क्या तुम वहां जाना नहीं छोड़ोगे? शायद नहीं। मैं दोबारा जवाब चाहता हूं। नहीं तो फिर अपना सामान लेकर यहां से चले जाओ। सामान मेरा कहाँ है पिताजी? वो भी तो आप ही का है। मेरा कहाँ? सर तुम्हारी समझ में ये आ सकता है कि सामान मेरा है तो फिर ये क्यों नहीं समझते कि तुम भी मेरे हो? मैंने ये कब कहा कि मैं आपका नहीं पिताजी, लेकिन मुझे अपना कहने के लिए जो शर्त आप रख रहे हैं, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा, ये मुझे मंजूर नहीं। एक बार के लिए बेटा अपनी बात को छोड़कर जा? जी नहीं, सच्चाई के लिए एक इंसान समाज और इज्जत की झूठी दीवारों को तोड़कर जा रहा है, शायद एक नए समाज की बुनियाद रखने। उस नए समाज में क्या तुम्हें बाप मिल सकेगा, खानदान मिल सकेगा, इज्जत मिल सकेगी? नहीं, ये सब नहीं मिलेगा पिताजी, लेकिन मोहब्बत मिलेगी जो इससे कहीं ऊंची है। गुड नाइट। वो सरपेरे आशिक को वकील साहब ने या तो घर में बंद कर दिया होगा या तो घर से बाहर निकाल दिया होगा। आओ। हाँ, तो शबनम ने अमीना भाई से क्या कहा? कसम उड़न कटोले की वो लड़की का क्या गुस्सा है, कहने लगी अगर तुम मेरी मोहब्बत के रास्ते में आओगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आओ। ओ बद्रे,
आकाश बाबू को चाय भाई जी। क्या कमी का दे दिया देख? नाश्ता? नाश्ता भी दे दिया। उसके कमरे की सफाई का खास ख्याल रखना। तभी उसकी सफाई के लिए तो जा रहा था पहलवान, आपने यहाँ बुला के मेरा सारा टाइम खराब कर दिया। रघुनाथ त्यागी जी साहब, धनबाद, आप आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? और जो मन कुर्सीदार, उसी कोई जरूरत नहीं। आकाश यहाँ रहता है। आकाश, मनमोहन आकाश, वो शायर? हाँ, मेरा बेटा। कल तक तो था, तुमने उसे पनाह दी है? त्यागी जी साहब, आपने उसे घर से तो निकाल दिया है लेकिन दिल से नहीं निकाल सके। आप उससे मिलने आए हैं? नहीं, मैं ये कहने आया हूँ कि तुम उसे पनाह मत दो। त्यागी जी, पहली बात तो ये है कि मैंने आपके बेटे को नहीं, अपने यार को पनाह दी है, और दूसरी बात ये कि ये ना आपका घर है, ना कोर्ट, ना कचहरी, जहाँ आपका हुक्म चल सके। मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ, अगर तुम उसे सहारा दोगे तो अपनी गलती का एहसास कभी नहीं कर सकेगा, कभी सीधे रास्ते पर नहीं आएगा। बात चाहो, हमारी नजर में तो वो अब भी सीधे रास्ते पर है, लेकिन हमने कभी जब देखा कि वो सीधे रास्ते पर नहीं जा रहा है तो हम अपना सहारा खींच लेंगे। गुड मॉर्निंग मिस्टर रघुनाथ त्यागी। गुड मॉर्निंग सर। भैया, मुझे शाम काम में देर होगी। आकाश, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? जी हाँ, मैं भूल चुका हूँ कि आप मेरे पिताजी। आप भी भूल जाइए कि मैं आपका बेटा हूँ। कोई सुनेगा तो आपकी बेइज्जती होगी। अब बल्लो जान ये मुझे। औलाद को गुलाम समझते हैं। आजकल तो वो जमाना आ गया है कि बाप को बेटे के कमरे में जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है। कम इन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैडी। देखे, त्यागी अंकल आए थे। अच्छा। कह रहे थे तुम्हारा दोस्त आकाश किसी गंदी सोसाइटी में पड़ गया है, घर बार छोड़कर एक थर्ड क्लास होटल में रह रहा है एक तवायफ के लिए, और कहता है उससे शादी करता। तुम जानते हो उस तवायफ को? जी नहीं। बेटे, आकाश तुम्हारा दोस्त है, उसे गलत रास्ते से हटाना तुम्हारा फर्ज है। लेकिन डैडी, मुझे तो इस सिलसिले में कुछ भी नहीं मालूम। तो बेटे मालूम कर लो, और अगर ठीक समझो तो उसे यहाँ बुला लो, हम सब उसे समझाने की कोशिश करेंगे। जी बालाजी। कमती उम्र और उस्ताद शबाब तो खुदा से भी टकरा जाता है मीना भाई। यहाँ सुई से काम बन सकता है, वहां भाला क्यों मारती हो? मतलब मेरे कहने का यह है कि इस उम्र में इतनी सख्ती अच्छी नहीं, थोड़ी बहुत आजादी भी मिलनी चाहिए। शबनम को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, घूमेगी फिरेगी, दिल बहल जाएगा और गुस्सा भी ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, ये भी करके आजमा लीजिए। चलिए सर जी। चलो बेटी चलो। हाँ, घमंड आ गया है रामजादी। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, इसकी पाकिजगी का फूट मैंने नहीं उतारा, तो मेरा नाम भी अमीना बाई नहीं। आदाब है। आदाब। ये अपनी गजल संभाल लीजिए। आदाब। कुछ कहिए ना। क्या कहूं? जो दिल में है। मेरे? आपके दिल में क्या है? आप नहीं जानते।
चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है पत्ता पत्ता दिन जो जिंदगानी है और कैसे न हम मिलेंगे हमने भी दिल मिटानी है और अभी मत वाले दिलों की मोहब्बत वाले दिलों की बात कोई क्या जानी है पत्ता पत्ता से रखो बाकी सब मुझ पे छोड़ दो कटोले की क्या सोच रही है अमीना भाई सोच नहीं रही हूं प्यारे देख रही हूं साफ देख रही हूं कहाँ गए अभी आ जाएगा अरे अशोक भैया तुम चलो मेरे साथ तुम्हारे नाम समन जारी हुआ है कहाँ से जज कैलाशनाथ के मकान से कहाँ मेरे कमरे में जज कैलाश नाथ और सरकारी वकील श्री त्यागी के सामने इल्जाम इल्जाम बददिमागी बदतमीजी बदजबानी बदअखलाकी नाफरमा बदारी मैं नहीं जाऊंगा आकाश अगर तुम समझते हो कि जिंदगी में जो फैसला तुमने किया है वो सही है जो कदम उठाया है वो दुरुस्त है तो मुखालफत करने वालों का सामना करने से डरते क्यों चलो मेरे साथ
इतना अंधेरा क्यों है? जरा बत्ती तो जला ले बेटे। लेन-देन अंधेरे में ही अच्छा लगता है। माँ नहीं अमीना बाई, एक तबाही जो तुम्हारे जिस भी कीमत लेकर कहीं तुम झगड़ा बढ़ा रही है। मुझसे कह रही जिसने गिन कर पूरे 20,000 दिए। सब कोठे वालियां घर बसाने में तैयार। अब मैंने जो कुछ भी आपसे लिया वापस दूं। वापसी करना होता तो वो लेती क्या? छोड़ दे मुझे। मैं राम अवतार हूँ, आकाश का दीदी दोस्त। बात क्या है? बात मैं बताता हूँ। पूरे 20,000 दिए हैं किंकर, से मेरे हवाले कर दो। उसे तो आप वाहेगुरु ने मेरे हवाले कर दिया है। अब तो तेरा क्या मेरा रास्ते भाग गया बोलते। आपने मेरी इज्जत बचा ली, मैं किस तरह आपके शुक्रिया अदा करूं? एक ही रास्ता। कौन सा? हमेशा के लिए मुझे अपनी इज्जत का रखवाला बना लो। धागा मेरी कलाई पे बांध। मैं, आप जानते हैं मैं कौन हूं? बहन हो, राम अवतार की बहन हो। लेकिन बांधो बांधो, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं सब जानता हूं। बात आज से मेरी बहन है, अगली भाई से मिलके ही कोई बहन होती है। इतना लंबा चौड़ा तेरा भाई है, तुझे किस बात की फिक्र है आज से? अगर वो किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, तो उसे किसी की बीवी बनने का भी हक है, किसी के बच्चों की माँ बनने का भी हक है। वो किसी की कुछ भी हो सकती है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मैं उसे अपनी बहू तस्लीम कर लूं। तो गोया आप ये कहना चाहते हैं कि वो बगैर पति के बच्चे जने और बिना बाप की वो औलाद गंदी नालियों में पलकर चोर भिखारी और जेब कतरों में इजाफा करें। मैं पूछता हूं, अगर आप उसे मां बना सकते हैं तो बीवी और बहू क्यों नहीं बना सकते? माइंड योर लैंग्वेज अशोक। आपसे मेरा मतलब था आप जैसे इंसान। आखिर तुम चाहते क्या हो? कोई भी इंसान देख कर मक्खी नहीं निकल सकता। हम मक्खियों की नहीं इंसानों की बात कर रहे हैं अंकल। लेकिन आकाश, जिस इंसान की कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, जिसके कैरेक्टर का कोई ठिकाना नहीं। इंसान होना ही सबसे ऊंची जात है, सबसे बड़ा धर्म, सबसे नेक मजहब। बाकी रही कैरेक्टर की बात, चुंबक में अगर खोट हो तो लोहा उसकी तरफ खींचता नहीं। दिलों में अगर सच्चाई ना होती तो मोहब्बत में दीवानगी नहीं होती। लेकिन इसका क्या सबूत है कि मोहब्बत सच्ची है? चाचा जी, ये इंसान जिसने मोहब्बत के लिए अपने पिता, खानदान, समाज सबको ठुकरा दिया, अगर इसकी मोहब्बत झूठी है तो दुनिया में किसी की मोहब्बत सच्ची नहीं।
ظفر بے یہ دلیل ہے برخدار ثبوت نہیں یہ حقیقت ہے اور حقیقت کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا آپ انسان ہیں اس کا کیا ثبوت ہے سوائے اس کے کہ یہ حقیقت ہے کیا تم چاہتے ہو تیاگی ایک توائف کو اپنی بہو مان لے یہ ماننے کے نہیں کرنے کی بات ہے انکل دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمارا سماج کہنے والے کو پوچھتا ہے اور کرنے والے کو ٹھکراتا ہے اگر آج ایک لیڈر چوراہے پر کھڑا ہو کر ویشیہ سدھار پر بھاشن دے تو اس کے گلے میں آپ ہاتھ ڈالیں گے اس کی پوجا کریں گے مگر ایک انسان اگر اسی چیز کو عملی طور پر کرنا چاہے تو اسے آپ ٹھکرائیں گے ویشیہ سدھار کا یہ مطلب نہیں کہ تم ویشیہ سے شادی کر لو ویشیہ اگر گندگی ہے تو گلے لگانے سے سدھرے گی نفرت کرنے سے نہیں ایک آکاش کے ویشیہ سے شادی کرنے پر ویشیہ سدھار ہو جائے گا کیا آپ ایک کو تو کرنے دیجیے اس کی ہمت افزائی کیجیے سماج میں اسے جگہ دیجیے پھر دیکھیے کتنے آکاش پیدا ہو جاتے ہیں بیکار بحث کرو اشوک بھیا مجھے جو کرنا ہے میں وہی کروں گا چاچا جی آپ کو اپنے بیٹے پر فخر کرنا چاہیے مگر تم واپس کوٹھے پہ کیوں جانا چاہتی ہو مجھے امینہ بھائی سے حساب چکانا ہے بھیا میں نے اسے ہزار بار کہا تھا میں اپنے جسم کا سودا کسی قیمت پر نہیں کروں گی لیکن پھر بھی اس نے میرے جسم کا سودا کیا بہن میں تو کہتا ہوں جو ہو گیا سو ہو گیا اب بھول جاؤ اسے جو ہو گیا اسے تو بھول جاؤں گی بھیا لیکن جس کی وجہ سے ہوا اسے نہ تو کبھی بھولوں گی نہ ہی معاف کروں گی تو پھر میں بھی ساتھ چلوں نہیں یہ میرا اور امینہ بھائی کا معاملہ ہے اس کے بیچ میں تم مت پڑو میں بھی آئی امینہ بھائی کیوں ماں کہتے ہوئے زبان جلتی ہے کمینی زبان نہیں دل جلتا ہے روح جلتی ہے آہا ایک طوائف ہوتے ہوئے دل اور روح کی باتیں کرتے کیوں طوائف انسان نہیں ہوتی اس کا دل نہیں ہوتا روح نہیں ہوتی ہوتے ہیں مگر بکتے نہیں بکتا ہے تو صرف جسم خوبصورت جسم جوان جسم امینہ بھائی میں نے تمہیں ایک بار نہیں ہزار بار کہا ہے کہ میں اپنا جسم نہیں بیچوں گی نہیں بیچوں گی ارے تمہاری ماں بھی بیچے گی خیال خبر دو جا میں نے اپنی زندگی کا 18 سال برباد کیا تجھے جوان کرنے میں مجھے اس کی قیمت چاہیے قیمت لے لو قیمت بولو کیا چاہیے تمہیں تمہاری عصمت تمہاری عزت تمہاری پاکیزگی میری ماں ہوتے ہوئے تم میں تمہاری ماں نہیں ہوں کیا تمہارے رگوں میں اگر میرا خون ہوتا تو ایک جسم تو کیا 1000 جسم کو اپنے ہتھیلی سے لے کے بیچتی پھرتی کون ہے میری ماں ہوگی کوئی چڑیل امینہ بھائی کون ہے میری ماں میں تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارا یہ تمہارا وہ سب کچھ میں میں نے تجھے پالا ہے کمینی تم میری ہے میں جب جس کو جہاں کہوں گی تجھے اپنی عزت لوٹانی پڑے گی امینہ بھائی یاد ہے میں نے کہا تھا میری محبت کے راستے میں آنے والوں کی میں جون لے لوں گی ارے یہ گیدڑ بھکیا کسی اور کو دینا گشتے تو ایسا خطرناک کیڑا ہے جو عورت کی قسمت کھاتا ہے تمہیں مارنا تو گناہ نہیں سواب ہوگا ادھر آ چھنال میں تیرے اس شرم کے کفن کو پھاڑ کر تجھے ننگے نچواؤں گی بات سچ بول رہی ہوں یو کم وتھ می
आइए आइए अंकल। अब क्या राय है तुम्हारी शबनम के बारे में? वही जो पहले थी, पर सिर्फ इतना ही पढ़ा है ना, पहले समाज से मुजरिम कहता था, अब कानून भी मुजरिम कहेगा। इसका मतलब है तुम ये केस लड़ोगे? जी हाँ, अभी अभी आकाश और अवकार मुझे शबनम का डिफेंस काउंसिल अपॉइंट कर गए। अशोक, जिस केस में अक्यूज गिल्टी है, थोड़ी देर में इकबाल जुर्म करने वाला है, उसे तुम क्या डिफेंड करोगे? नहीं करूंगा, अगर आपकी बात सच निकली तो। मेरी बात सच है। That we'll see in the court. देखो बेटे, जिस केस में तुम यकीनन हारोगे, उसे एक्सेप्ट करके क्यों अपना करियर खराब कर रहे हो? मिस्टर त्यागी, मैं अपने करियर को आपसे ज्यादा समझता हूं, प्लीज एक्सक्यूज मी। अशोक, तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे अदालत में। आप अपनी फिक्र कीजिए मिस्टर त्यागी, मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। I will fight this case. क्यों अशोक बाबू, छापने लायक कुछ है? हैरतअंगेज, सेंसेशनल? नहीं बेगाना साहब, अभी तक तो केस का सिर पर ही हाथ नहीं आया। तुम कहो तो कोई जासूसी वासूसी की जाए? नहीं होता, जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि एक शबनम के अलावा ऐसा कौन है जिसे अमीना बाई की मौत से फायदा हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। मकान में मौत के वक्त शबनम और उस्ताद जी के अलावा और कौन था? कोई नहीं था। अमीना की मौत के वक्त तुम्हारे और उस्ताद के सिवा और कोई नहीं था। उस्ताद के हाथ बंधे हुए थे, उसका मुंह बंधा हुआ था और तुम्हारे हाथ में चाकू था। तुम चाकू लेकर अमीना को मारने लगी, उसने तुम्हें रोका। शायद तुम उसे कभी ना मार सकती अगर वो खिड़की के पास ना खड़ी होती। तुम्हारे चाकू के वार खाली गए तो तुमने उसे धक्का देकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मिस शबनम, तुम झूठ बोल रही हो कि अमीना का खून तुमने नहीं किया। अमीना का खून तुम्ही ने किया है, जानबूझकर किया है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने अमीना बाई का खून नहीं किया। देखो शबनम, तुम्हारे कोठे की हर चीज पुकार पुकार कर कह रही है कि तुमने अमीना बाई का खून किया है। अब तक की तहकीकात से तुम्हें खूनी साबित करना मेरे लिए बहुत आसान है, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, अगर तुम इकबाल जुर्म कर लो। झूठ बोलकर तुम कानून से नहीं बच सकती। अच्छी बात है, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम कुछ भी कहो कलावती, मगर इंसान किस खानदान से है, उसकी रगों में किसका खून है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। यह सच है कि कमल कीचड़ में उगता है, मगर यह भी सच है कि कीचड़ में उगने वाली हर चीज कमल नहीं होती। वंडरफुल, वंडरफुल, क्या पते की बात कही। ए वान दीपू, तू? हां जी, मैं जीते रहो। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से मिले हुए, मिलने चला। So how are you, auntie? अच्छा किया, अच्छा किया। रामू आया मालिक। दीपक बाबू का सामान गेस्ट रूम में रखो। जीजा जी कैसे हैं रे? जीजा जी? Oh, you mean my daddy, your जीजा जी? Hey, one, he's first class. अच्छा कलावती, तुम दीपक से अपने मैके की कह सुन लो, मैं तब तक क्लब में एक बिलियर्ड की गेम खेल के आता हूँ। चाओ। तो वो नवाब कहाँ है? कौन नवाब? वो नवाब जिसने अमीना से शबनम को खरीदा था, वो नवाब जो शबनम को रेप करना चाहता था। एक नवाब को तो मैंने भी दो तीन बार शबनम क्या देखा है। चलो आकाश, ढूंढे उसे, आज शाम तक आपको रिपोर्ट दे देंगे। उस्ताद जी, ये शबनम की जिंदगी का सवाल है। वो नवाब कहीं तो रहता होगा, कोई तो ठिकाना होगा। मुझे नहीं मालूम, मैं कभी गया नहीं नवाब साली के साथ। हाँ, कतल की रात अमीना बाई नवाब के यहाँ थी, ये मुझे खातून से मालूम हुआ। वापसी में शायद वो जुम्मन के टांगे में आई। वो जुम्मन टांगे वाला मैं जानता हूँ, चलो मेरे साथ।
नवाब शौकत जंग आ रहे थे, वो तो सिंधा जी चला गया। अच्छा, उनके साथ एक और साहब रहते थे, क्या नाम है उनका? हाँ, वो चमचा प्यारी लाल। प्यारे लाल ऊपर है। ऊपर है। थैंक यू। कोई शौकत क्या है, ऐसे छोड़ है जाएगा? बताओ नवाब शौकत ने बहादुर कहाँ है? कौन नवाब शौकत? कौन क्या? कौन क्या? अरे ताकि अरे तुम जाओ, तुम जाओ। अरे अरे बता कहाँ है नवाब? ये है नवाब साहब की दाढ़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेक्ट हमारे ही घर में। दीपक साहब नवाब शौकत जंग है, मगर क्यों? प्यारे लाल ये कह रहा था कि जिस दिन शबनम गिरफ्तार हुई उस दिन नवाब साहब यानी दीपक ने खुशी का जश्न मनाया, अफसोस करने के बजाय नाच रहा था। He might have a motive for murder. Don't worry, now I'll find out. क्या है बेटे? माँ ये दीपक कौन है? दीपक? ओ दीपो, वो मेरी ममेरी बहन का लड़का है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी ममेरी बहन की ससुराल तुम्हारे घर के पास है ना? हाँ बिल्कुल पास, आधे कोस पर। अच्छा, क्या ये यहाँ पहली बार आया है? नहीं तो, पहले भी दो तीन बार आया था, मगर तू नहीं था घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये कहीं नौकरी करता है? नहीं, मेरे जीजा जी तो बहुत पैसे वाले हैं, इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है। मगर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही। आकाश तुम्हें फौरन अंबुर जाना होगा, क्योंकि ये दीपक यानी नवाब शौकत जंग मिसेस कलावती कैलाशनाथ यानी मेरी माँ का दूर का रिश्तेदार है। अभी तक इस केस में इस नवाब का अमीना के कत्ल से क्या ताल्लुक है कुछ पता नहीं चला, इसलिए तुम ऐसा करो कि फौरन रामपुर जाकर इस इंसान के बारे में पूरी मालूमात कर लो। अशोक तुम कहो तो इसके साथ मैं चला जाऊं रामपुर? नहीं, तुम मेरे साथ रहो, अभी हमको बहुत काम करना है। हमसे वफा भी न हुई, हम
कर दे दिल हम तेरा किस मुंह से गिला करते हैं ऐ गमे यार बता कैसे जिया करते हैं जिनकी तकदीर बिगड़ जाती है क्या करते हैं सन्नाटे में जब नहीं तुम ही तो फिर रात के सन्नाटे में कौन है किसको हम आवाज दिया करते हैं ऐ गमे यार बता कैसे जिया करते हैं जिनकी तकदीर बिगड़ जाती है क्या करते हैं जिनकी तकदीर बिगड़ जाती है क्या करते हैं ऐसे गुजरे हैं कि दिनों का हिसाब ही भूल गई हूं मैं जल्दी आ जाऊंगा तुम चिंता मत करना हम लोग तुम्हें इस खून के इल्जाम से जरूर बरी करा लेंगे पहले ही क्या कम धब्बे थे दामन पर जो एक और लग गया जिसके स्पर्श से फूल खिलते हो जिसे चूमने के लिए सूरज की किरणें बेकरार हो तुम पवित्रता की मिसाल वो शबनम हो तुम्हारे दामन पर धब्बे कितनी खूबसूरत है आपकी नजर जो सदा मुझे इसी रूप में देखती है मगर दुनिया की नजर शबनम इश्क की दुनिया होती है महबूब की एक नजर और वो नजर जमाने भर के हुस्न से ज्यादा हसीन होती है तुम्हें चाहने वाला तुम्हें पूछने वाला जब तुम्हारा हो तो दुनिया की परवाह क्यों जमाने का डर किस लिए आकाश तुम्हारी ट्रेन का वक्त हो रहा है बहन भाभी भाभी बहन भाभी बहन बहन
सच कह रहा हूँ माता जी, मुझ पर विश्वास कीजिए। दीपक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वो मेरा दोस्त है, की मदद करना चाहता हूँ, मगर जब तक आप मुझे सब कुछ नहीं बताएंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, अमीना बाई मर चुकी है और उसके खून का इल्जाम दीपक पर है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हो सकता है उसे उम्र कैद हो जाए, फांसी हो जाए। नहीं नहीं तो मुझे सब कुछ बता दीजिए, क्यों वो अमीना को मारना चाहता था, क्यों वो कोठे पर भेस बदल कर गया था। तो सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ, अगर दीपक को बचाना चाहती हैं तो सब कुछ बताना पड़ेगा। ये सब कुछ जानने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मुझसे एक वादा करेंगे आप? क्या? किसी से कुछ मत कहिए, ना शोक से ना अवतार भैया से। नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो दोनों सब कुछ जानना चाहेंगे। कोई झूठी कहानी सुना दीजिए। नहीं शबनम, झूठ बोलने से तो अच्छा है कुछ ना बोलना, मगर तुम? मैंने सोच लिया मैं क्या कहूंगी। क्या? हेलो त्यागी यार, आज का अखबार देखा आपने? ये शबनम का कन्फेशन क्या स्टंट है? क्या चाहते हो, सरकारी वकील की हैसियत से जवाब दो या तुम्हारे बाप के दोस्त की हैसियत से? मेरा सवाल सरकारी वकील से है। तब तुम्हें कोई हक नहीं है स्टंट लफ्ज इस्तेमाल करने का। देखिए मिस्टर त्यागी, मैं प्रोसिक्यूशन के सारे हथकंडों से वाकिफ हूं, मैं आपसे आई रिफ्यूज टू टेल यू एनीथिंग। इडियट, गोद लिया हुआ था, यह हाल है। जज कैलाशनाथ का अपना बेटा होता न जाने क्या करता है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इसके बाद बोलने के लिए बाकी क्या रह जाता है? बहुत कुछ रह जाता है। सिर्फ शबनम के कन्फेशन से ही केस खत्म नहीं हो जाता, प्रोसिक्यूशन को छठी का दूध ज्यादा जाएगा इस केस को प्रूफ करने के लिए। तो मुझे बताओ तो सही, तुमने दीपक के बारे में क्या मालूम किया? बोलते क्यों नहीं? देखो आकाश, तुम्हारी खामोशी किसी की मौत बन सकती है। कुछ तो बोल मेरे यार, बोलता क्यों नहीं? देख अवतार, अगर मेरी खामोशी किसी की मौत है तो मेरा बोलना भी किसी की मौत है, और यह फैसला सिर्फ मुझे करना है कि कौन सी मौत। नहीं, इसका फैसला हम सब मिलकर करेंगे। मुझे बताओ तो सही, हर बात क्या है? नहीं बता सकता अशोक, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इतना ही कहूंगा कि मेरे खामोश रहने से जिसकी मौत होगी उसके साथ सिर्फ मैं मरूंगा, अगर मेरे बोलने से जिसकी मौत होगी उसके साथ बहुत लोग मर जाएंगे। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मेरे दोस्त। आकाश, तुम बोलो या खामोश रहो, सच सामने आकर ही रहेगा, चाहे दुनिया का हर इंसान मर जाए। चलो आकाश। डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी? डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी? डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी? गिल्टी। योर ऑनर, मेरे कैरियर में ये अपनी तरह का पहला केस है। मेरी फाइटिंग स्पिरिट को मायूसी इसलिए हो रही है कि इसमें ना कुछ करने लायक है ना कहने लायक। मुजरिमा का इकबाल जुर्म अदालत के सामने है, सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस अदालत के सामने है, और पुलिस की रिपोर्ट में कत्ल का मकसद भी साफ है। किसी भी कत्ल का इतना सुलझा हुआ और क्लीन मुकदमा मेरी नजर से नहीं पड़ा। लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, मुजरिमा ने इकबाल जुर्म करके कानून की इज्जत की है,
हमारा और अदालत का कीमती वक्त जाया होने से बचाया है, इंसाफ के सामने सर झुकाया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुजरिमा शबनम पर रहम और करम की नजर करे, उस पर दया करे और उसे सजाए मौत दे। That's all, Your Honor. Your Honor, अदालत मुजरिमा पर रहम करे या ना करे, दया करे या ना करे, मुझे से कोई सरोकार नहीं। मैं मुजरिमा के वकील सफाई की हैसियत से इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरा कोई वकील नहीं है, मुझे कोई वकील नहीं चाहिए। मैंने अमीना बाई का खून किया, मुझे फांसी दे दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। मुलजिमा से जब तक कुछ पूछा ना जाए वो खामोश रहे। प्रोसीड। योर ऑनर, मैं नहीं जानता वो कौन सी बात है जिसके तहत मेरी क्लाइंट मिस शबनम अपने आप को मार डालना चाहती हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मैं जानना चाहता हूं इस अनवांटेड डिफेंस काउंसिल को किसने अपॉइंट किया है। मुलजिमा के भाई राम अवतार। मैं मुजरिमा के मुंह से सुनना चाहता हूं क्या राम अवतार उसका भाई है। मुलजिमा शबनम, क्या राम अवतार तुम्हारा भाई है? जी। आर यू सेटिस्फाइड मिस्टर प्रोसिक्यूटर? यस योर ऑनर। प्रोसीड। योर ऑनर, ये तो मैं नहीं जानता कि जो जुर्म शबनम ने नहीं किया उसे कबूल क्यों किया, मगर इतना जरूर जानता हूं और साबित कर सकता हूं कि शबनम ने अमीना का खून नहीं किया। इसलिए अदालत से मेरी यह दरख्वास्त है कि फैसला एक्यूज शबनम के इकबाल जुर्म की बिना पर ना किया जाए, बल्कि प्रोसिक्यूशन यह साबित करे कि शबनम ने अमीना का खून किया है और डिफेंस को यह साबित करने का मौका दिया जाए कि अमीना का खून शबनम ने नहीं किया है। That's all, Your Honor. Any objection, Mr. Prosecutor? None, Your Honor. It's a challenge and I accept it. मुझे ये साबित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि तुमने अमीना बाई का खून नहीं किया, तुम निर्दोष हो, मगर तुम्हारे सिर्फ निर्दोष साबित हो जाने से कानून की कार्रवाई पूरी नहीं होती। अगर तुम निर्दोष हो तो दोषी कौन है? अगर तुमने खून नहीं किया तो किसने किया है? मैं कितनी बार कहूं कि अमीना बाई का खून मैंने किया है? मत कहो, एक बार भी मत कहो, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सब झूठ है। तुम और आकाश मिलकर किसको बचाना चाहते हो? कौन है वो जिसकी खातिर तुम अपनी जान देने पर तुली है? मुझे सच सच बता दो शबनम, प्लीज सच सच बता दो मुझे। कुछ नहीं जानते शुक्रिया। तुम सब कुछ जानती हो, तुम तो मेरा कानून से खिलवाड़ कर रहे हो। ये अच्छा नहीं है शबनम। शबनम, कत्ल करना जितना बड़ा जुर्म है, कत्ल की किसी बात को भी छुपाना उतना ही बड़ा जुर्म है। देखो मुझे सब सच 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 बता दो मुझे, प्लीज दे दो। अशोक, चलो, आकाश ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या बता दिया? जो तुम छुपा रही हो। चलो आकाश। अशोक भैया, अब तुम क्या करोगे? क्या करूंगा, वही जो एक सच्चे वकील को करना चाहिए। तुम अपने माँ बाप। शबनम, आकाश ने अवतार को कुछ नहीं बताया। क्या? ये वकालत की एक चाल थी जिसमें तुम फंस गई हो, और जो कुछ तुम्हारे मुंह से निकल गया है उसकी बिना पर अब मैं सब कुछ जान लूंगा। भले ही अब तुम एक लफ्ज मत कहो, मगर एक बात याद रखो, सच को छुपाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। दुनिया का कोई लॉजिक, इंसान का कोई जज्बा इस जुर्म को जस्टिफाई नहीं करता। तुम्हारा नाम? उस्ताद जी। मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, पेशा नहीं। जी, अब्दुल कादिर। तुम अमीना बाई के यहाँ कब से काम कर रहे हो? यही कोई 15 या 16 साल से। 15 साल से या 16 साल से? जी, 15 साल 3 महीने 7 दिन और 5। अच्छा अब्दुल कादिर,
7 सितंबर को दिन के वक्त क्या तुम कहीं बाहर गए थे? जी हाँ, गया था। अकेले? जी नहीं, शबनम बेटी मेरे साथ थी। तुम दोनों कहाँ गए? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस सवाल का ताल्लुक शबनम की जाती जिंदगी से है, कत्ल से नहीं, क्योंकि कत्ल मकान पर हुआ था, मकान के बाहर नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। अच्छा, जब तुम वापस मकान पर पहुंचे, क्या शबनम तुम्हारे साथ थी? जी हाँ थी। क्या वक्त था? करीबन 9 बजे थे। 7 सितंबर को रात के तकरीबन 9 बजे जब तुम शबनम के साथ मकान पर पहुंचे, तब क्या कोई खास बात हुई? जी, जब मैं और शबनम घर पहुंचे तो खिलाफ मामूल घर में अंधेरा था। हम दोनों हैरान हुए, मगर इससे कबल कि शबनम बत्ती जला पाती, किसी ने अंधेरे में मुझे दबोच लिया। क्या तुम देख सके किसने ऐसा किया? जी नहीं, क्योंकि एक तो अंधेरा था, दूसरे ये सब मेरे पीठ पीछे हुआ। फिर किसी ने जोर से मेरे सर पे मारा और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। बेहोश होकर? जी नहीं, होश में था भी और नहीं भी, मगर गिर पड़ा। तुम्हारी आंखें तो खुली थी। जी हाँ। क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि किसी आदमी ने शबनम का हाथ पकड़ के उससे कहा कि तुम्हारी मां। अब्दुल कादिर, जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दो। वही तो कह रहा हूं जनाब। मैंने ये नहीं पूछा तुमने क्या सुना, मैंने पूछा तुमने क्या देखा। देखने से भी यही पता चलता था कि एक आदमी शबनम का हाथ पकड़कर उसकी इज्जत। अब्दुल कादिर, जो तुमने देखा वो बताओ, जो तुमने समझा वो नहीं। जी, मैंने देखा कि एक आदमी जबरदस्ती शबनम को पलंग पर लिटाकर उसके उसके साथ जिना बिल जबर करने की कोशिश कर रहा है। जिना बिल जबर से तुम्हारा मतलब है रेप? जी हाँ। कौन था वो आदमी? ये तो मैं नहीं देख पाया। क्या वो आदमी शबनम से जिना बिल जबर करने में कामयाब हुआ? जी नहीं। क्यों? क्योंकि शबनम पूरी तरह उसे काबू में नहीं आई और अपने जिस्म को उसके जिस्म से हमेशा बचाती रही और उसके गिरफ्त से निकल भागने की कोशिश की। क्या वो बच निकलने में कामयाब हुई? जी, शबनम उसकी गिरफ्त से निकल के भाग गई, लेकिन वो भी उसके पीछे भागा। फिर बहुत देर बाद शबनम वापस आई। अंदाजन कितनी देर बाद? करीबन 2 घंटे बाद। अकेली? जी। फिर वो सीधी अमीना बाई के कमरे में गई। उस वक्त मकान में रोशनी थी? जी नहीं। तुम अमीना बाई के कमरे से कितनी दूर थे? बहुत दूर भी नहीं था, बहुत करीब भी नहीं। क्या तुमने अमीना बाई के कमरे में शबनम और अमीना बाई के दरमियान हुई गुफ्तगू को सुना? कुछ सुना, कुछ नहीं सुना। सारी बातें बताने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना बता दो कि शबनम ने अमीना बाई को मार डालने की धमकी दी थी या नहीं। शबनम अमीना बाई से कह रही थी कि तुम एक ऐसा खतरनाक किस्म का कीड़ा हो जो औरत की इज्जत को खाता है, तुम्हें मार डालना गुनाह नहीं सवाब होगा। तुम्हें ठीक याद है? जी हाँ। फिर क्या हुआ? फिर कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर एक चीख सुनाई दी, फिर शबनम अमीना बाई के कमरे से बाहर आई, उसके हाथ में खंजर था। जी, फिर शायद पुलिस आ गई। दैट्स ऑल योर ऑनर, योर विटनेस। अब्दुल कादर जी, रात के वक्त अंधेरे में क्या तुम्हें हर चीज साफ दिखाई देती है? जी नहीं। दैट्स ऑल योर ऑनर। मनमोहन आकाश हाजिर है, मनमोहन आकाश हाजिर। मेरे साथ साथ कहिए, मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारा नाम? मनमोहन आकाश। मिस्टर मनमोहन आकाश, तुम मुजरिमा शबनम को जानते हो? जी हाँ। कितना? जी, सुना है मुजरिमा शबनम से आपको इश्क था? जी, अब भी है। उसे भी है? जी हाँ, उसे भी है, मुझे भी है और हमेशा रहेगा। मिस्टर मनमोहन आकाश, तुम दोनों के मिलन के खिलाफ कौन कौन था? जी, मेरे पिता सरकारी वकील श्री त्यागी और शबनम की मां अमीना बाई। शबनम ने तो अपनी मां का कत्ल कर डाला, आप अपने बाप का खून कब करेंगे? ऑब्जेक्शन सस्टेन। दैट्स ऑल योर ऑनर, योर विटनेस। नो क्वेश्चन, आप जा सकते हैं।
मैं अपनी पहली विटनेस मिसेस कलावती कैलाशनाथ को बुलाना चाहता हूं। आप उनके नाम समन्स इश्यू करवा दीजिए। मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि तुम मेरी पत्नी को या अपनी मां को विटनेस बॉक्स में बुला रहे हो। अफसोस है तो सिर्फ इस बात का कि तुम्हारा बाप होते हुए भी मैं इस केस के उस पहलू से अभी तक ना वाकिफ हूं जिसका मेरी पत्नी से या तुम्हारी मां से ताल्लुक है। आप सिर्फ एक पिता या पति ही नहीं, एक जज भी, और मैं सिर्फ आपका बेटा ही नहीं, एक वकील भी हूं। इस केस में जहां तक आपकी इज्जत, खानदान की इज्जत, मेरी मां की इज्जत का सवाल है, वहां पर एक मासूम जिंदगी का भी सवाल है। और मैं समझता हूं कि उस जिंदगी को बचाना दुनिया भर के इंसानों की इज्जत से ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं मालूम कि इस केस में जब माजी की किताब खुलेगी तो कौन कितना नंगा होगा, मगर जो कुछ भी हो हकीकत को अदालत के सामने लाकर ही रहूंगा। पता नहीं मुझे तुम पर फखर करना चाहिए या धक्के देकर घर से निकाल देना चाहिए। सारी जिंदगी फैसले करने वाला कैलाशनाथ आज इस फैसले पर आकर उलझ गया है, इसलिए तुम पर छोड़ता हूं, जो ठीक समझो करो। एक बार अपनी मां की आंखों में झांक कर देख लेना। बेटा, जो कुछ पूछना है यही पूछ लो ना। जब माँ को नंगा करने पर तुल ही गए हो तो अकेले में करो, सबके सामने। माँ, मैं क्या पूछूंगा तुम जानती हो, और तुम क्या जवाब दोगी मैं जानता हूं, मगर सिर्फ मेरे और तुम्हारे जानने से क्या होगा। जानना तो अदालत को चाहिए जो एक मासूम की जिंदगी का फैसला करेगी। ऐसा कोई रास्ता नहीं कि पर्दा पड़ा रहे और फैसला हो जाए। नहीं मां, ऐसा कोई रास्ता नहीं। मेरे साथ साथ कहिए, मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस कलावती कैलाशनाथ, आपकी याददाश्त तो अच्छी है ना? हाँ। ये कौन सा साल चल रहा है? 1971। आपको याद है वो बात कौन से साल की है? कौन सी बात? वो बात जिसने आपके अरमानों में तूफान बरपा कर दिया था, वो बात जिसने आपकी जिंदगी में हलचल मचा दी थी, वो बात जो अगर ना होती तो ना हम और आप आज इस अदालत में होते, ना शबनम अमीना से मिलती, ना तबाही बनती और ना कत्ल के इल्जाम में आज इस कटहरे में खड़ी रहती। वो बात आज से 20 साल पहले की है, जब आप जवान थी, आपके अरमान जवान थे और आपकी हसरतें जवान थी। याद आया आपको? याद कीजिए 1947 में जब आपकी और कैलाशनाथ की मंगनी हुई थी, तब आपकी उम्र 16 साल थी। जी। और क्या ये सच है कि कैलाशनाथ मंगनी से 10 साल बाद शादी करने वाले थे, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी कि फौरन में हायर एजुकेशन पूरी करने के बाद ही शादी करेंगे? जी हाँ। और मंगनी के ठीक 10 दिन बाद वो चले गए आपको 10 साल के लिए अकेला छोड़कर। आपके घर में चूंकि आपकी मां के सिवा आपका कोई और नहीं था, इसलिए यह अकेलापन बहुत जल्द आपको सताने लगा। आपने शायद बहुत सी चीजों में मन लगाने की कोशिश की मगर मन नहीं लगा, और फिर वही हुआ जो अक्सर हुआ करता है। मैं सारी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मगर क्या यह सच नहीं है कि कैलाशनाथ के जाने के बाद आपका राम मोहन नाम के एक आदमी से अफेयर हो गया, और जब आपकी माता जी को पता चला कि आप मां बनने वाली हैं
तो उन्होंने खानदान की इज्जत पर आपके बच्चे को कुर्बान करना चाहा। बोलिए, क्या ये सच नहीं है? जवाब दीजिए। बताइए मिसेस कलावती कैलाशनाथ, क्या ये सच नहीं है? मगर आपने अपनी माता जी को ऐसा नहीं करने दिया, बल्कि उन्हें राजी कर लिया कि वो आपकी शादी राममोहन से कर दें। यहां भी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। शादी की तारीख जो खुफिया तौर पर पक्की की गई थी, उससे ठीक 15 दिन पहले राममोहन प्लेन एक्सीडेंट में मारा गया। अब तो खानदान की इज्जत बचाना बहुत मुश्किल था। आपकी माताजी ने बौखलाहट में दीपक की मां को अपना रास्तदार बना लिया और उसके साथ बीमारी के बहाने आपको मनाली भेज दिया गया, जहां शबनम का जन्म हुआ। यहां फिर आपके साथ बहुत अन्याय हुआ। एक मां होते हुए भी आपको अपने बच्चे की शक्ल देखना नसीब नहीं हुई, क्योंकि आपकी माताजी कैलाशनाथ और उनके खानदान को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए शबनम के पैदा होते ही दीपक की मां ने उसे अमीना बाई के हवाले कर दिया और उसके ठीक 3 साल बाद आपकी शादी कैलाशनाथ से हो गई। अब इस ड्रामे का आखिरी एक्ट शुरू होता है। कुछ दिन पहले जब आपकी मां की विल पढ़ी गई तो पता चला कि उन्होंने लिखा है कि अगर आपकी कोख से कोई औलाद पैदा न हो तो उनकी सारी जायदाद जो तकरीबन 50 लाख की है दीपक को मिली। दीपक की मां को जब यह पता चला तो उन्होंने फौरन दीपक को अमीना का पता देकर यहां भेज दिया, क्योंकि सिर्फ दीपक की मां को यह मालूम था कि शबनम कलावती की कोख से पैदा हुई है। दीपक नवाब बनकर अमीना बाई के कोठे पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात शबनम से हुई। शबनम को यह नहीं मालूम था कि उसकी मां मिसेस कलावती कैलाशनाथ है, वो तो अमीना बाई को ही अपनी मां समझती थी। इसलिए दीपक के रास्ते का रोड़ा शबनम नहीं अमीना थी, मगर वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। उसका प्लान था अमीना और शबनम दोनों का खून कर देना, मगर जब उसने देखा कि एक का खून करके दूसरे को जेल भेजा जा सकता है तो उसने अपना प्लान बदल दिया और एक तीर से उसने 2 शिकार करना चाहे। शबनम और अमीना में तकरार हो रही थी, उसका उसने पूरा फायदा उठाया। शबनम और अमीना में हुआ वो झगड़ा जो उस्ताद जी ने सुना, वो दीपक ने भी सुना। दीपक उस वक्त वहीं अमीना बाई के कमरे में छुपा हुआ था। इस बात की तस्दीक जुम्मन तांगे वाले के बयान से होती है, जिसने ये कहा है कि वो रात के 12:30 बजे के बाद दीपक को अमीना बाई के कोठे के नीचे से होटल तक ले गया। शबनम ने अमीना से कहा, तुम एक ऐसा कीड़ा हो जो औरत की इस्मत को खाता है, तुम्हें मारना गुनाह नहीं सवाब होगा। ये कहकर वो किचन में खंजर लेने के लिए गई। उसी वक्त दीपक ने अमीना को उठाकर नीचे फेंक दिया और शबनम जब खंजर लेकर वापस आई तो कमरे में कोई नहीं था, लिहाजा पुलिस ने शबनम को अमीना बाई के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जो कुछ हुआ आप सब जानते हैं। शबनम के जन्म और मिसेस कलावती कैलाशनाथ की मां की विल की कहानी जब आकाश को और फिर आकाश के जरिए शबनम को मालूम हुई, तो उन दोनों ने, जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है, जिन्हें इज्जत के कुछ ठेकेदारों ने गंदी नाली का कीड़ा कहा है, उन दोनों ने फैसला किया कि वो श्री कैलाशनाथ, मिसेस कैलाशनाथ और उनके खानदान की इज्जत के लिए अपना प्यार कुर्बान कर देंगे, अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। इसीलिए शबनम ने कन्फेस कर लिया कि उसने अमीना बाई का खून किया है और आकाश मौत की तरह खामोश हो गया। मैं पूछता हूं, समाज के ठेकेदारों से पूछता हूं कि ये दो इंसान जिनके अंदर कुर्बानी का ऐसा जज्बा है, अगर ये गंदगी है तो पवित्रता क्या है? अगर इन्हें ठुकराया जाएगा तो पूजा किसकी होगी, आपकी, आपकी या आपकी? एक बदबू आज खुशबू को महक दे रही है, एक गंदी नाली का कीड़ा महापुरुषों को महान सबक सिखा रहा है। समाज के ठेकेदारों को चाहिए कि इस हादसे से सबक सीखे। मैंने आज तक किशमिश का कोई दाना ऐसा नहीं देखा जिसके तले तिनका ना लगा हो। मैंने ऐसा कोई घर नहीं देखा जिसकी खिड़कियों और दरवाजों से हवा के साथ थोड़ी बहुत मिट्टी अंदर ना आती हो। मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो पैदाइशी अच्छा या बुरा हो। साधु के घर में चोर और चोर के घर में साधु पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। इज्जत, समाज, खानदान एक ढकोसला है जिसकी आड़ लेकर बड़ी बड़ी बदमाशियां होती हैं, बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं, बड़े बड़े जुल्म होते हैं और बड़ी बड़ी बेइंसाफियां होती हैं। सच अदालत के सामने है, राज अब राज नहीं रहा। जज साहब शबनम के पिता नहीं, लेकिन फिर भी शबनम उनकी बेटी की तरह है, बेदाग है, बेकसूर है। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि वो इंसाफ के साथ इंसाफ करें और शबनम को बाइज्जत रिहा करें। दैट्स ऑल योर ऑनर।
अदालत मुर्दमा शबनम को अमीना बाई के खून के इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। घर चलो। जिंदगी में आज पहली दफा जज साहब 6 बजे घर नहीं आए, रात के 12 बजा दिए, मालूम नहीं कहाँ भाई। क्या फैसला किया आपने? मैं फैसला करने वाली कुर्सी छोड़ आया हूं। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं।